अभी तो हमें और तो कुछ है नहीं ना इसमें, और क्या है जी? देखिए गठबंधन की बात जहां तक है, आम आदमी पार्टी ने जेजेपी को निस्वार्थ जींद के चुनाव में उपचुनाव में समर्थन दिया था। सीबीआई को उखाड़कर फेंकने के लिए हमने पहले भी कहा था कि नई राजनीति जिनको करनी है, संघर्ष की राजनीति जिनको करनी है, हमारे लिए उनके दिल भी और दरवाजे भी खुले हैं। पहली बात, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद आके कैंपेन किया था और हमने खुले दिल से खुले मन से बात की थी। अब जो बात है वो हम तो अब कह रहे हैं कि दरवाजे भी खुले हैं भाई साहब और दिल भी खुले हैं बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि इस बीजेपी ने पूरे हरियाणा का सत्यानाश कर दिया, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर। तो हमारे तो दिल भी खुले हैं, दरवाजे भी खुले हैं, लेकिन आम आदमी का भी मान सम्मान तो बराबर हो गए मेरे। तो गठबंधन अब होगा नहीं होगा, लेकिन भाईचारा कायम है, कोई बात नहीं। देखो जी, बीजेपी को हराने के लिए जैसे हमने कहा था कि भाई देखो, दस इस देश का नाश कराया बीजेपी ने और कांग्रेस ने मिलकर। हरियाणा में 10 साल कांग्रेस थी, इन्होंने क्या करा था सबने बेरा है। लेकिन हम ये मानते हैं आखिर इन्होंने जो सबसे खतरनाक काम बीजेपी ने किया है वो किया है, एक समाज में दूरियां बढ़ा के, भाईचारे का सत्यानाश करके, चाहे जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर। इसको उखाड़ के फेंकना जरूरी है, इस सीबीआई को उखाड़ के फेंकना जरूरी है। इसलिए हमने कहा था कि भाई जो नया हरियाणा बनाना चाहते हैं, नई सोच के लोग हैं, उनके साथ खुले दिल से खुले मन से काम करें। हम तो कहते रहे हैं भाई साहब, भाई साहब मेरी तो किसी से बात चल नहीं रही। आपके दरवाजे खुले हैं, मारे तो दरवाजे कति दिल बीर दरवाजे, दिल खुलना जरूरी हुआ भाई साहब। दरवाजे तो सब खोले रहे हैं लेकिन दिल खुले होने जरूरी है। भाई साहब जो वो अक्षेत्र जो पॉलिसी होती है ना, उस पॉलिसी से जो आप लोगों के सबके अफसर जानकार होंगे, मेरे तभी किसी अफसर ने बताई है, सबके आपके सारा के बड़े बड़े अफसर जानकार होंगे, तो पूछियो शायद 30,000 का मिलेगा। क्योंकि जो वो अक्षेत्र है और वहां पे जो परमिशन दी गई है, अब CLU जो मिलती थी, अब वो कह दो कि कोई घोटाला नहीं था, CLU फ्री में थोड़ी मिलना करती है। अब ये जिन बिल्डरों को वहां पे परमिशन बनाने के लिए होगी, कोई फ्री में थोड़ी भाई साहब, कोई गरीबा के लिए फ्री में थोड़ी फ्लैट बनाएंगे कि मतलब एक एक एकड़ जमीन 20-20-30-30 करोड़ की है वहां पे, एक एक एकड़ जमीन। हमारा अंदाजा है सरकार कह दे भाई कोने कोई घोटाला कोने। हाँ नहीं, अभी हुए हैं, पहले भी कुछ एरिया हुए हैं, कुछ कोर्ट में अभी भी केस चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह का एक कानून बना गया, इसमें मोटी बात तो यही है कि भाई अब वहां पे आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हो, बिल्डरों को अनुमति है कि भाई आप बना सकते हो। और जब ये चीज है कि वहां जब आप पेड़ काट सकते हो, पेड़ तो लगाने की बात है, और वो तो संरक्षित क्षेत्र है, उससे पहले जो खदान हुआ, भाई दो ही चीज हो सकती ना वहां पे, माइनिंग है, माइनिंग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद की बंद होनी चाहिए, उसके बाद चलती रही सरकारों के साथ मिलके तो चलेगी भाई साहब, नहीं तो वैसे तो एक डड़ा भी नहीं उठा सकता आदमी रोड पर, तभी वो पूरी की पूरी मतलब पढ़ के पढ़ काट लिए। तो
देखो भाई साहब, दिल ना खुला होता तो जींद में उपचुनाव में समर्थन ना देते फरी में। हमने ये कि मिलियत है, एक बार दरवाजे इसलिए खुले भाई साहब, आम आदमी यार मान सम्मान की। देखिए जो सीटों को लेके बात हुई तो वो 8 और 2 सीट की बात कर रहे थे, हमने कहते भाई बराबर की कर लो, यह बात थी। हाँ वो दो दे रहे थे, फिर हमने कही मगर आम आदमी है तो क्या बात होगी भाई, आम आदमी का मान सम्मान तो सबका बराबर होगा। वो देखिए वो उनकी पार्टी का निर्णय है, वो उनको निर्णय करना है। और हमारा जो मकसद था, देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया, अब सैक्रिफाई करने की बात है तो भाई साहब हमने साथ जाके समर्थन दिया था, उन्होंने समर्थन मांगा हमने दे दिया। इतनी आसान बात नहीं होती ना कि अरविंद केजरीवाल वहां जाके उनके लिए कैंपेन करें, लेकिन हमें लगा। अब भाई हम तो यही बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हमने तो जींद की नाला समर्थन करते हैं, हम तो बीजेपी ने रालो ने एक मिनट सर एक दे दो भाई, एक सीट दे दो और 20 की जगह 10 दे दो, 10 कहने लग रहा भाई साहब, वो 20 कह दे। मैं ये कहता हूं आज, कहते एक सीट दे दो लोकसभा, वो तो दे रहे हैं 20 सीट कह रहे हैं, वो 10 दे दो, बीजेपी ने राणा की गारंटी ले लो, मान जाएंगे हमने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बात यह है कि बीजेपी को जिस तरीके से हराया जा सकता है वो सारे तरीके हम बता चुके हैं। और आज के दिन इस देश के अंदर बीजेपी बहुत बड़ा खतरा है, उस बीजेपी को हराना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उस बीजेपी को हराने के लिए ही हमने समर्थन दिया था, और बीजेपी के हराने के लिए ही हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे दरवाजे खुले हैं, दिल भी खुले हैं। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के लोग जो काम कर रहे हैं, अभी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, सारा देश सेना के साथ खड़ा था, सारा देश बॉर्डर पर जाने तैयार था, ये बूथ पर जाने लग रहे हैं, देश में युद्ध का माहौल है और ये बूथ पर जाने लग रहे हैं। मतलब कुत्ता भोंकता हो ना उसने देख के डर जाए बीजेपी वाले, और फौजियों की ड्रेस पैर पैर गए वो बन रहे हैं। बताओ फौजी की ड्रेस अच्छी नहीं लगती बीजेपी के नेताओं के ऊपर, क्योंकि जिस तरह राजनीतिक करण कर रहे हैं, सारे के फोटो लगा रहे हैं। अब अरे सेना ने करे वो काम है, तुम 10 दिन एक दिन तो चले जाओ बॉर्डर पे खड़े होकर देख तो लो एक बार। तो ये जिस तरह से बीजेपी की जो राजनीति चल रही है इस देश के अंदर वो बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है। देखिए कोई भी हो जी, जो जाति धर्म अक्षेत्र की राजनीति करने वाली पार्टी है उनके साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, पहली बात। और बीजेपी को हराने के लिए एक मिनिमम कोई भी कॉमन प्रोग्राम होता है, उसके लिए हमने आपको बताया कि हमारे दरवाजे हर दिल दोनों खुल रहे हैं। अभी तो नहीं हो रहा भाई साहब, टीवी में अखबारों में तो रोज हो जाए फिर टूट जाए। कौन गया था कांग्रेस को मांगने? बाप एक बात दो, टीवी में खबर देख के आप कह दो मना कर दिया, फिर टीवी में देख के कह दो हाँ भर ली, तो भाई साहब को तो नहीं भाई। हमने तो एक चीज कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं भाई आज के दिन इस देश के अंदर इस बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है, बहुत खतरनाक राजनीति है इसकी। जिसने हरानी है ठीक है भाई, ना हरानी मत हराओ, हम तो कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अरे भाई साहब पहले भी न्यू ए खुल रहा था, आज भी न्यू ए खुल रहा है, मैं इसलिए तो कहूं इसका मायने है ना, हमने कह दी बातचीत होली थी ये बात मेरे, ये अब पूछा कि भाई अब क्या, तो मैंने बता दी ना, फिर बता दी ये भी बता दी पूरा नहीं, हमने इसीलिए तो कहा ना कि नहीं भाई, हमने कह दिया मान सम्मान आम आदमी पार्टी का बराबर है, आम आदमी का मान सम्मान बराबर है, हमने ये कहा। मेरा तो यही मानना है।
नहीं नहीं वो तो ये कि हमको गारंटी दे दो ना बीजेपी ना रहा है, मैं तो कह रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ हाँ बिल्कुल भाई साहब कि तो पंचायत करवा लो, पंचायत में करवा दो भाई बीजेपी ने ये हरा देंगे, कोई बात नहीं कोई भी हो चाहे। और गठबंधन की जहाँ तक बात है हमने अपनी तरफ से ऐसी बात नहीं है कि कोशिश नहीं करी, खूब कोशिश करी, इसीलिए कह रहे हैं कि ले लेंगे भाई हर दस ले लेंगे हरा दो कोई आगे बीजेपी ने। हमने ये समझा दिया बीजेपी कैसे हर्ष के मारी जितनी समझ है हमने बता दी, बाकी गठबंधन हो ना हो भाईचारा कायम रहेगा कोई प्रॉब्लम ना। वो भाई साहब अपनी पार्टी है वो अपना विचार विमर्श कर रहे होंगे। अब भाई साहब बात का तो मैंने निवेरा बनाएगी कि नहीं बनाएगी इस बारे में देखो सीटें तो आइडेंटिफाई जब कोई आवेगा नहीं आवेगा भाई साहब, जब गठबंधन होगा जब बात होगा ना मतलब पहले एक बात हो ना तो रिश्ता होया ना शादी हुई इसी दा तलाक करवा रखा अर्थी दा तलाक हो गया है भाई। भाई साहब अभी तक तो नहीं है भाई साहब, कांग्रेस वाले मेरे ख्याल में दिल्ली वाले देखे उस चीज ने, दिल्ली वाले मेरे ख्याल में वो जो ना जी ना आपने क्या बंपर